देखते हैं, इग्निशन लाइट्स तो ऑन हो गई। मैं आपको बताता हूँ इसके प्राइसिंग के बारे में। इसमें देखो टाटा का लोगो भी लगा हुआ है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल गाइस एंड यू वाचिंग दीप स्टेशन एंड आई एम दीपांशु दीप। सो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी फ्लिप की के बारे में, जो कि इसको बनवाया हुआ मुझे करीब हो चुका है 1 मंथ। और इसका रिस्पॉन्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से क्या रिस्पॉन्स रहा है इसका, और इसको बनवाना वर्थ था या नहीं था, और अगर आपको बनवानी है तो आप कैसे बनवा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपने फ्लिप के बारे में, जो कुछ ऐसी दिखती है अगर आप देख पा रहे हो तो। और इसमें देखो टाटा का लोगो भी लगा हुआ है कुछ इस तरह का। तो इसके रिस्पांस की बात कर लेते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसका रिस्पांस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरी की के अंदर मतलब सिंगल बटन था, जो स्कॉर्पियो में आते हैं निपॉन की जो सेंटर लॉकिंग लग करके आती है वो लगी हुई थी इसमें, तो उसकी वजह से इसमें सिंगल बटन होने की वजह से मैं किसी से भी अनलॉक और लॉक कर सकता हूँ, मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी काफ़ी अच्छा काम कर रही है अभी तक तो फिलहाल। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई और सेंटर लॉकिंग है जिसके अंदर अनलॉक और लॉक का जो भी सिस्टम है अलग अलग है, तो आपका अलग अलग ही वर्क करेगा। तो जैसे कि अब मैं दिखा रहा हूँ कि दोबारा आपको दिखाता हूँ, इससे ही लॉक भी हो गई है गाड़ी और इससे ही अनलॉक भी होती है। सो की कुछ ऐसी दिखती है, कुछ ऐसी है। और अब मैं इसका आपको इग्निशन चेक कराया था कि इग्निशन इससे ऑन होता है या नहीं होता है, तो दिखा देता हूँ। तो हम चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। तो मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर और यहाँ से हम कुछ ऐसे अपनी की अंदर लगा देंगे इसके। सो देखते हैं, इग्निशन लाइट्स तो ऑन हो गई, जैसे कि इग्निशन ऑन हो चुका है प्रॉपर ही, आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है हमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा देख लेते हैं, हम ऑफ कर दिया मैंने गाड़ी, तो दोबारा से मैं इसमें इग्निशन दे देता हूँ। देख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज़ में, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। तो आज की वीडियो हमारी इसी के ऊपर होने वाली थी कि इसको बनवाना वर्थ है या नहीं है। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं कुछ प्राइसिंग के बारे में। तो पहले मैं गाड़ी से बाहर आ जाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी प्राइसिंग के बारे में। सो गाइस, अभी हमने बात की थी कि सेंटर लॉकिंग मतलब इसकी क्या सेंटर लॉकिंग किस तरह से वर्क कर रही है और इग्निशन ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मैं आपको एक बार ये भी दिखाता हूँ कि इससे बूट मेरा ओपन होता है नहीं होता है, और सिंगल टाइम में ये बूट मेरा ओपन हो गया। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, जब मैंने बंद कर दिया बूट, यहाँ से मैंने चाबी लगाई, ये बूट बिल्कुल सही है, ओपन हो चुका है। सो अब हम कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की बात कि क्या कॉस्टिंग आई है इस फ्लिप की को बनवाने में। तो इस फ्लिप को बनवाने में जो आपकी कॉस्टिंग आती है वो आती है 1500 रुपीज़ में आपको ये फ्लिप की बन जाती है, अगर आप अपना सेंसर देते हो। और अगर आप अपना सेंसर नहीं देते हो, आप कहते हो कम्प्लीटली अलग बननी चाहिए, तो उसके आपके लगते हैं 300 रुपये एक्स्ट्रा, और उससे आपको देने पड़ते हैं 1800 रुपीज़ में आपको पूरी एक फ्लिप की बन के मिलती है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। और मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप पूरी एक फ्लिप की अलग बनवाएं, क्योंकि अगर आप एक की बनवा रहे हो अलग से, तो उसके अंदर जो कंपनी से जो हमारे पास की आती है ना ओरिजिनल, उसमें ये होता है कि अगर आप इंश्योरेंस क्लेम में कभी लेने जाते हो अपना इंश्योरेंस, या फिर किसी चीज़ के इंश्योरेंस क्लेम आपको लेना पड़ता है, तो उसमें आपकी दोनों की अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने उससे फ्लिप की बनवा ली तो आपके इंश्योरेंस में आ सकती है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि 1800 रुपीज़ में जब आपकी एक पूरी फ्लिप की आपको बन के मिल रही है, और आपको 15 कर सकते हो, 300 रुपीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 1800 रुपीज़ में ये पूरी फ्लिप की अलग बनवाएँ। तो इसके बाद करते हैं वीडियो एंड। तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी इस फ्लिप की के बारे में, जो आज मैंने इस वीडियो बनाई है। और आपको अगर मार्केट में जाकर के पता करते हो, क्योंकि मैंने भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सर्वे किया था चीज़ के ऊपर कि फ्लिप की कम से कम में कितना बन सकती है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस है। क्योंकि अगर आप मार्केट में जाते हो, अगर आप एक पूरी की बनवाने जाते हो, तो आपके 2500 रुपीज़ लग जाते हैं, और आपको 1800 में मैं पूरी कंप्लीट की लेकर के आया हूँ। 1500 में अगर आप अपना सेंसर लगा सकते हो गाड़ी का तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप सेंसर लगवा करके एक की बनवाओ, जिसकी वजह से आपको कल को प्रॉब्लम हो। इसके साथ अब हम करते हैं वीडियो को एंड।
तो होप सो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको करना है लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, और वीडियो को कर देना है शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इसकी लाइटिंग के ऊपर, इसके ऊपर कितना हमने मतलब स्पेंड किया लाइटिंग के ऊपर, और क्या आप कहाँ से करवा सकते हो काम और किस तरह से करता है। तो थैंक यू।